सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर जितनी जल्दबाजी दिखाई, अगर उतनी ही जल्दबाजी महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाने में दिखाई होती तो ये बेहतर होता। मायावती ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर राज्यों को केवल पत्र भर लिख देने से इसका कोई सार्थक हल नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा कि बसपा नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ रही है और सदन में इसके विरुद्ध वोट भी किया है। बसपा ने बिल को असंवैधानिक और विभाजनकारी बताया है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और आगे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।